द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज, जनपद महाराजगंज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर जिला महाराजगंज में प्रदेश के जनमानस की समस्याओं से संबंधित समाजवादी पार्टी का विशाल धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सदर विधायक सुदामा प्रसाद, पूर्व विधायक नौतनवा मुन्ना सिंह, पूर्व विधायक फरेंदा विनोद मणि त्रिपाठी, पूर्व मंत्री सुशील कुमार टेबड़वाल, लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रवि प्रताप यादव, बबलू भारती, पवन यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए देवेंद्र कुमार भारती की रिपोर्ट। अनसुना होना, छात्रों के शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क, बिजली बिल में अपूर्ण वृद्धि, युवाओं मजदूरों की बेकारी की समस्या को के चलते प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है और केंद्र की भाजपा सरकार ज्ञापन देने के पड़ रहे हैं। सरकार भावनात्मक मुद्दों को उभार कर वाहवाही लूटने में व्यस्त है तथा सरकार लोकशाही को समाप्त कर निरंकुश तानाशाही की व्यवस्था देश पर थोपने की साजिश रच रही है, जिसे रोका जाना देश हित और जनहित में अति आवश्यक है। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन हैं, इसलिए संविधान की रक्षा और संविधान की पूर्ण भावना के अनुरूप देश की जनता का हक व हकूक दिलाए जाने तथा लोकशाही की मजबूती के लिए पुख्ता इंतजाम कराने का दायित्व निर्वहन करने की अपेक्षा करते हुए समाजवादी पार्टी महाराजगंज आपसे सादर अनुरोध करती है तथा निम्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार को अपेक्षा परिणाम दायक निर्देश निर्गत किए जाने की अपेक्षा करती है। जो मांग है 27 सूत्री, उसे मैंने पहले ही मतलब सुना दिया था। मैं चाहूँगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। हमें आप आश्वासन दें कि इसे महामहिम राज्यपाल तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जीता। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।